स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से आई बड़ी खबर, आने वाले 40 दिन होंगे काफी अहम। भारत में आ सकती है कोरोना की नई लहर, जनवरी में नई लहर के आने की जताई जा रही आशंका। पुणे एयरपोर्ट पर सिंगापुर से आया विदेशी यात्री मिला कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल, कोरोना के पॉजिटिव होने से मचा हड़कंप। भारत में आने वाला वक्त होगा मुश्किल, IIT प्रोफेसर ने कोरोना के चौथी लहर को लेकर जताया अंदेशा। भारत सरकार कोरोना के खतरे पर हुई अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया लेंगे जायजा। मुंबई के अस्पतालों की बदहाल स्थिति का मुद्दा सपा विधायक अबू आजमी ने नागपुर सदन में उठाया, कहा डॉक्टरों की कमी की वजह से लोगों की जा रही है जाने। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बॉर्डर विवाद के बीच अलमाटी बांध पर तकरार हुआ शुरू, फडणवीस बोले काम रोके नहीं तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। शरद पवार ने PM मोदी को लिखा खत, उनकी मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पुणे में हथियार लहराते हुए अज्ञात ने लोगों को डराने की कोशिश, पीछे से आ गई पुलिस, फिर हुई अच्छे से कुटाई। बुधवार को मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय में पार्टी कार्यालय को लेकर हुए शिंदे और उद्धव गुट के बीच बवाल के बाद आज BMC द्वारा सभी पार्टी कार्यालयों को किया गया सील, सील किए जाने को लेकर उद्धव गुट हुई आक्रामक, जमकर की गई नारेबाजी और प्रदर्शन। 31 दिसंबर को अनुचित घटनाओं को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की तैनाती, 25 पुलिस उपायुक्त के साथ 10,000 हवलदार और SRPF की 46 टीम, 3 रैपिड फोर्स और 15 फास्ट स्पीड फोर्स होगी तैनात। महाराष्ट्र के ठाणे में बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां को उतार दिया मौत के घाट, पुलिस ने बताया दोनों की दोस्ती पर आपत्ति जताती थी महिला। पुणे में हुई दरिंदगी, 6 लोगों ने 15 वर्षीय लड़की का 6 महीने में कई बार किया रेप, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आर्यन खान ड्रग केस को लेकर सुर्खियों में आए NCB के उप महानिर्देशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर NCB ने खुलासा करने से किया इनकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 का हवाला देते हुए किया इनकार। कोहरा की वजह से मुंबई की ओर आने वाली कई सारी एक्सप्रेस ट्रेनें आज हुई लेट, जिसके कारण लोकल ट्रेनें भी हुई प्रभावित, पश्चिम रेलवे पर कई सारे लोकल ट्रेनें भी 10 से 15 मिनट थी लेट। वार्ड बॉय को गर्लफ्रेंड के सामने महिला डॉक्टर ने डांटा, गुस्से में कैंची से कर दिया वार, पीड़ित डॉक्टर की हालत अब खतरे के बाहर, आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला हुआ दर्ज। नववर्ष आने से 2 दिन पहले ही पुणे में 1,70,00,000 रुपए की शराब हुई जब्त, यह शराब रेस्टोरेंट बियर बार होटलों में होनी थी सप्लाई। तुनिशा आत्महत्या मामले में सामने आए कॉमेडियन सुनील पाल और उर्फी जावेद के बयान, सुनील पाल ने युवाओं से ड्रग से दूर रहने की अपील, वहीं उर्फी ने शिजान खान का किया समर्थन। तुनिशा आत्महत्या मामले में तुनिशा के परिवार से रामदास आठवले ने की मुलाकात, 25 लाख मुआवजा देने और आरोपी सिजान को फांसी दिलाने का दिया आश्वासन। नासिक के अंबड़ इलाके में 3 गाड़ियां आपस में टकराने के बाद हादसे का शिकार हुए, एक वाहन से मिला करोड़ों रुपए का नकली नोट, गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है मामले की जाँच। मुंबई में आज सोने और चांदी दोनों के दामों में दर्ज की गई गिरावट, चांदी 70,300 रुपए किलो, वहीं सोना 54,600 रुपए तोला। पुलिस कर्मियों से बदसलूकी के आरोप में विधायक नितिन देशमुख और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, नागपुर में पुलिस कर्मियों से हुई बदसलूकी, विधायक अनिल परब ने पुलिस पर लगाए कई सारे आरोप।